हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, सीटेट 2019 का जो एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है, तो अब इसका आंसर की बारी है। तो दोस्तों, मैं बताने आया हूँ कि कब से कब तक आपको आंसर की ला दी जाएगा, उसके बाद तुरंत कुछ दिन के बाद आपको फाइनली इसका रिजल्ट ला दिया जाएगा। तो इस रिलेटेड सारी बातों को बताने आया हूँ, तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, इंडिया टीवी अपने आर्टिकल में पब्लिश कर बता दिया है कि सीटेट आंसर की 2019 सीट कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ देख रहे हैं सीटेट आंसर की जल्द होगी जारी, जानिए कैसे कर पाएंगे डाउनलोड। दोस्तों चलिए सीटेट सारी बातें को जान लेते हैं। दोस्तों हो सके तो ये जो आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक करके ये सारा इन्फॉर्मेशन पर्सनली भी देख सकते हैं। दोस्तों नीचे आते हैं, दोस्तों याद दे सकते हैं, ये रहा फाइनली सारा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। नई दिल्ली सीटेट 2019 परीक्षा की आंसर की जल्द जारी की जा सकती है। सीटेट आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट जो CTET.NIC.IN पर जारी की जाएगी। आंसर की सीटेट के बाद सीटेट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सबसे पहले इसका आंसर की जारी किया जाता है। तो दोस्तों जैसे आंसर की जारी किया जाएगा, मैं आपको ऑफिशियल आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको आंसर की जारी किया गया, किस तरह से आप अपना आंसर चेक करिएगा। देन उसके कुछ दिन के बाद या 15 दिन के बाद उसका ऑफिशियल है जो आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, मैं आपको ऑफिशियल आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, और सीटेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आने वाली होगी दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियो थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल से बने रहिएगा। और तो आते हैं आगे, जा दे सकते हैं, पता चल रहा है क्या कि परीक्षा के बाद 6 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा आपका रिजल्ट। इस हिसाब से रिजल्ट 18 अगस्त को या 18 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आंसर की जारी होने के तुरंत 6 सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसका ऑफिशियल। तो एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 अगस्त या 18 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे जा दे सकते हैं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और गवर्नमेंट फॉर्म से अपडेट रहना चाहते हैं और आने वाली जितनी भी स्कीम होता है उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों ये जो रेड कलर का बटन है इसे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते हैं तो बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरा सारा वीडियो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपके पास पहुंच जाए। और तो नीचे आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जहां पर मैंने आज ही वीडियो डाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जहाँ देख सकते हैं आज मैं बताया हूँ, जो पहला वीडियो दोस्तों BEd MEd DEd, दोस्तों फाइनली BEd MEd DEd के लिए फाइनली बुरी खबर या अच्छी खबर हो सकती है। तो जहाँ बताया जा रहा है कि अब सभी का क्लास जो कॉलेज में लगती है वो उसका जो अटेंडेंस है बायोमेट्रिक कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों करने का मतलब है कि अब आप सभी लोग को क्लास करना होगा जो NCTE के द्वारा ऑफिशियल बताया गया। दोस्तों तो इस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन पकना चाहते हैं इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट है जो RRB NTPC का दोस्तों जो एडमिट कार्ड, वो कब जारी किया जाएगा, कब से एग्जाम लिया जाएगा, ये सारी बातें इसमें वीडियो में बताया गया दोस्तों, वो भी जाकर देख सकते हैं। और जो थर्ड है दोस्तों, जिससे BSSC इंटर लेवल का जो डेट है एग्जाम रिजल्ट का डेट है ऑफिशियली अलाउंस कर दिया गया है। तो इस रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें बता दी इस वीडियो में, साथ ही आंसर की का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि कब जारी किया जाएगा, ये सारा वीडियो आप मेरे चैनल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं तो वापस अपने वीडियो, दोस्तों जहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सीटेट परीक्षा 7 जुलाई को देश भर में टोटल 104 शहरों में आयोजित की गई थी। इसमें 1 से 5वीं कक्षा के लिए होने वाला पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से लिया गया था और दोपहर को 12:30 बजे तक आयोजित किया गया था। और 6 से 8वीं कक्षा तक के लिए पेपर 2 का आयोजन हुआ था जो दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक लिया गया था। सीटेट परीक्षा में 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी ने भाग लिया था। तो देख सकते हैं सीटेट में 14 लाख से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट लिया था, एग्जाम दिया था। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है, अगर किसी को डाउट आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में अपने दोस्तों साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ फिर अगर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने होगा या इस तरह का अपडेट देना होगा। तब तक अपना ख्याल रखना।